हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश पटले। तो आज हम बात करेंगे किराना स्टोर बिजनेस प्लान के बारे में। आप अपना किराना दुकान कितनी लागत से खोल सकते हैं और किराना दुकान खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, भारत जैसे आबादी वाले देश में किराना स्टोर खोलना मुनाफे वाला सौदा ही रहा है। आप अपने गली मोहल्ले में इस बिजनेस को खूब चलते देखा होगा और इस बिजनेस का नाम है किराना दुकान। और इस बिजनेस की पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी जगह की ज़रूरत होगी, कैसा इंटीरियर का ज़रूरत होगा और कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और कितना प्रॉफिट माल होगा और माल कहाँ से ख़रीदना चाहिए। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किराना स्टोर के बारे में। छोटे से गांव से लेकर बड़े शहरों तक किराना स्टोर आप देखे ही होंगे। इस व्यापार की मांग कभी कम नहीं होती, क्योंकि किराना का सामान हर इंसान की ज़रूरत है। इस व्यापार को शुरू करने से पहले इसकी योजना बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यह सोचना होगा आपके स्टोर में क्या क्या चाहिए ताकि आपका किराना स्टोर अच्छे से चल सके। अब बात करते हैं किराना दुकान खोलने के लिए आपको कैसा एरिया चाहिए। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 200 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। जगह आप किराए पर भी ले सकते हैं और जगह आप ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप जगह किराए पर लेते हैं और ख़रीदते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, और अगर आपकी खुद की जगह होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। दोस्तों, जगह का चुनाव आपको बहुत सोच समझ कर करना होगा। इस बिजनेस में बेहतर प्रॉफिट कमाने के लिए जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ एक बार सेट हो गया तो वहाँ बहुत लंबे समय तक चलता है और आपके नाम से यह दुकान शुरू होगी और बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो आप सोच समझ कर जगह का चयन करें। इसके लिए ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहां कोई भी इंसान आसानी से आ जा सके। आपका स्टोर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अधिक जनसंख्या हो। इससे यह फायदा होगा कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए आप आवास, सोसाइटी, भीड़ वाली सड़कों, अस्पताल, मंदिर इत्यादि के आसपास अपनी दुकान का चयन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुकान जहाँ भी खोल रहे हैं उस दुकान के आसपास कोई अन्य किराना दुकान ना हो, ताकि इससे आपका व्यापार को प्रभाव ना पड़े। अब बात करते हैं किराना स्टोर के लिए इंटीरियर कैसा चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छी आपकी दुकान अच्छी लगेगी। उसमें ज़्यादा ग्राहक आकर्षित होंगे और ग्राहक आकर्षित होने लगेंगे और बिक्री में बढ़ोतरी होगी। इंटीरियर पर भी खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका इंटीरियर होगा उतना ही अच्छा आपको आपके बिजनेस से मुनाफा मिलेगा, ताकि जो भी ग्राहक है वो इंटीरियर देख के भी आपके ओर आकर्षित होगा, आपकी दुकान की ओर। इंटीरियर जितना अच्छा होगा आपका किराना दुकान उतना ही ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। तो इंटीरियर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने दुकान का इंटीरियर इस तरह बनाएं कि कोई भी ग्राहक को सामान आसानी से दिख सके, आसानी से नज़र आ सके, और अपने इंटीरियर पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए आप इंटीरियर डिज़ाइनर से भी संपर्क कर सकते हैं और उससे सलाह ले सकते हैं। इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट तीन तरीके से होगा। पहला, एरिया जगह के लिए। दूसरा, इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। तीसरा, दुकान में माल कहाँ से डालें। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट वो होगा आपका एरिया। अगर जगह आपकी अपनी है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जगह अगर आप खरीदते हैं और किराए से लेते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, एरिया आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप काम कहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप चाहे तो काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा खर्चा होगा आपको सामान खरीदने में। आप 80,000 से 1,00,000 तक का माल खरीद सकते हैं और अपने दुकान में डाल सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किराने के बिजनेस में आपकी दुकान जितनी ज़्यादा भरी भरी दिखेगी ग्राहक उतना ही प्रभावित होगा और सीधे आपसे ही माल खरीदेगा, तो ग्राहक इससे आकर्षित होगा। दुकान के लिए माल कहाँ से खरीदें।
किराना स्टोर के लिए माल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है स्मार्टनेस की, कि आप किराना स्टोर के लिए माल होलसेल विक्रेता से खरीद सकते हैं, नज़दीकी बाज़ार से खरीद सकते हैं और होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं। शहर के आसपास होलसेल मार्केट मिल ही जाएंगे आपको। एक बार जब यह संबंध बन जाते हैं तो फिर जहाँ से आप माल खरीदते हैं वहाँ ऑर्डर लेने के लिए वहाँ के लड़के आपकी दुकान तक आ जाते हैं। और रही बात स्मार्टनेस की, तो स्मार्टनेस की बात करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं, तो इसके लिए बिजनेस में आपको स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अगर मसाला खरीदते हैं तो आप सीधे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, अगर आप घी खरीदते हैं तो सीधे गांव से संपर्क कर सकते हैं और सस्ते दाम में घी खरीद सकते हैं। तो आपकी इसी तरह के अलग अलग प्रोडक्ट ऐसी जगह से खरीदें जहां से आपको सस्ते से सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके। अगर आप दूसरे दुकान से अच्छी क्वालिटी का सामान कस्टमर को देते हैं तो आपकी दुकान में दूर दूर तक के कस्टमर आपकी दुकान में सामान खरीदने आएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। किराना स्टोर में हर प्रकार का अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। जैसे साबुन बेचने पर 8% प्रॉफिट मार्जिन, क्रीम बेचने पर 10% प्रॉफिट मार्जिन, टूथपेस्ट बेचने पर 10% प्रॉफिट मार्जिन और दाल चावल आटा चीनी इत्यादि बेचने पर 15-20% प्रॉफिट मार्जिन और पैकेट फूड बेचने पर भी 15-20% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। इसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 8% से लेकर 25% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट पर भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो इसकी जानकारी आपको जहाँ से माल खरीदेंगे वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप इस बिजनेस को 1,00,000 रुपये से शुरू करते हैं तो आपको 20,000-30,000 तक का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप इस बिजनेस को अच्छे लेवल से शुरू करते हैं तो आपको 60,000 से लेकर 1,00,000 तक रुपये महीना आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या लगेंगे। वैसे तो आप बिजनेस छोटे या मीडियम लेवल से शुरू करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बड़े लेवल से अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो GST नंबर और FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना आए और आपके कस्टमर को आप पर भरोसा हो जाए। तो दोस्तों ये थी किराना स्टोर खोलने की पूरी जानकारी, और दोस्तों साथ ही हमारी कुछ पर्सनल एडवाइस किराना दुकान खोलने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दुकान में तमाम वैरायटी के सामान रखें, और दुकान में जितना ज़्यादा सामान और वैरायटी उपलब्ध कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपके कस्टमर आपके पास आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर बन पाएंगे और आपकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये मेरा बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताना, और भी जैसे दूसरे बिजनेस के बारे से बिजनेस प्लान आएंगे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फैक्ट वीडियो भी हमारे चैनल पर डालते हैं, शायरी और मोटिवेशन वाली वीडियो भी डालते हैं। तो ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक ये वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त नीलेश पटले।